सर, लॉकडाउन कर्फ्यू के चलते लगभग 1 महीना हो गया, पानी की और जो सिंचाई की योजना है कितनी प्रभावित हुई, और अब तक नुकसान की बात करें तो नुकसान कितना आंकलन हुआ होगा फिर से? इस लॉकडाउन करके तो लोग हमारा विकास की गति तो धीमी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी जो अच्छी बात है कि जिस रफ्तार से कोरोना अन्य देशों में लगातार निरंतर फैल रहा है, उस की तुलना में भारतवर्ष में और विशेष करके हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो बहुत ही कम केसेस जो है हमारे बढ़े हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक तरफ लॉकडाउन था और दूसरी तरफ जो था कर्फ्यू था। इसे क्या हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना इतना इसको स्ट्रिक्ट कर दिया कि कोई बाहर से ना आए और बल्कि इधर से उधर भी ना जाए उस एक्टिविटीज को लेकर के। आज एक ऐसी स्थिति है कि हम काफी काफी सुविधाजनक स्थिति में है, या कि तो अगर जमाती है ना इन्होंने काम खराब ना किया होता तो शायद ही हिमाचल प्रदेश जो था आज कोरोना मुक्त प्रदेश के रूप में शामिल हो सकता था। हमारे यहाँ विशेष करके जल जीवन मिशन को लेकर के हमारे लगभग 150 गाड़ियाँ और ट्रॉले जो हैं वो पाइपों के दूसरे प्रदेशों के अंदर बीच में फंसे हुए थे। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सबको जो है लान वो हमारे जहाँ जहाँ काम जिन जिन कामों के अगेंस्ट उनको लिया गया है वहां पर वो पहुंचे हैं और काम जो है शुरू हो। आईपीजी विभाग, जल शक्ति विभाग के, पीडब्ल्यूडी विभाग के और अन्य विभागों के आवश्यक काम जो है वो अब मंत्रिपरिषद की बैठक में और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश दिशा निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुके हैं और हम भरपूर प्रयास में कोशिश कर रहे हैं। और उस कोशिश में सबसे बड़ा प्रयास जो है हमारा जल जीवन मिशन की तरफ है कि हम जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो इस बार हमारा लगभग 1710 करोड़ का टारगेट है उस टारगेट को हम पूरा करें। उसमें हमारी टेंडरिंग हो चुकी है, उसमें वर्क अवार्ड भी हो चुके हैं, जो वर्क अवार्ड होने को है उसको हम वर्क अवार्ड कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। और भारत सरकार ने हमें एश्योर किया है कि आप अपना एनुअल एक्शन प्लान भेजिए, हम आपको पैसे की कोई कमी जो है जल जीवन मिशन के कार्यों के अंतर्गत नहीं आने देंगे। सर, जिस तरह से कश्मीरी लोग जो है वो बाहर चले गए हैं, तो कैसे इस दिक्कत को दूर किया जाएगा? लेबर की एक समस्या है क्योंकि जो कश्मीर से हमारी लेबर हिमाचल प्रदेश के बीच में आई है वो लेबर आती ही केवल मात्र कति मार्च तक थी। लॉकडाउन थोड़ा सा उससे पहले हो गया, अब वो वापिस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। उससे निश्चित तौर पे कुछ समस्या होगी लेकिन हम कोई ना कोई उसका रास्ता जो है वो ढूंढ लेंगे ताकि वर्क जो है हमारा किसी भी रूप में सफल उससे प्रभावित ना हो। सर, जल जीवन मिशन जो है उसमें हिमाचल की रैंकिंग क्या रही है अभी तक, और कितने करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और कब तक पूरा होना है? जल जीवन मिशन हिमाचल प्रदेश के लिए पहले तो क्योंकि कितने घरों को अभी नलके देने बाकी थे, 57% हमारे नल हमारे हैबिटेशन ही नहीं बल्कि हमारे घर जो है उसमें कवर दिखाई दिए थे, जबकि वास्तव में हमारे बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के मकान हैं वहाँ पर नलके नहीं हैं। हमने इस विषय को लेकर के जो है भारत सरकार और विशेष करके हमारे जल शक्ति मंत्री भारत सरकार शेखावत जी से विनम्र आग्रह किया, उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि हम यहाँ और जितने बाकी बचे हुए ऐसे परिवार हैं जिनको अभी तक नलके नहीं लगाए गए और जो इसमें नहीं है उनको अपडेट करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की थी। उस समय सीमा के अंतर्गत जो है हिमाचल प्रदेश में पूरे प्रदेश के अंदर सभी डिविजनों में जहाँ अभी ये नलके और अपडेट होने थे लगभग 3,70,000 नलके जो है वो नए ऐसे कनेक्शन जो है वो उसमें साइट में डाले गए हैं। और उस करके हमारा 3200 करोड़ का जो जल जीवन मिशन का प्रोजेक्ट था वो अब 4500 करोड़ पे पहुंच चुका है।
माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 22 अप्रैल को बैठक हुई है, और उस बैठक में जो प्रथम चरण है जल जीवन मिशन का, इस वर्ष का 2021 का जो है एनुअल एक्शन प्लान है वो लगभग 1700 करोड़ रुपए का जो है हमने तय किया हुआ है, और उस एनुअल एक्शन प्लान को हम अपलोड कर रहे हैं, और ताकि भारत सरकार के साथ हमारी बैठक जो है वो 7 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है तय हुई है, और हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है इस पूरे देश के अंदर कि हम प्रथम स्थान पे जो है वो 2019 और 20 के बीच में रहे हैं, और उसका इंसेंटिव के रूप में हमें 57 करोड़ रुपया जो है वो अलग से पैसा भी दिया गया है, मिला है भारत सरकार की तरफ से। हाँ सर, क्या नियर फ्यूचर में लगता है कि जो जो पाइपलाइंस में चीजें हैं, जैसे ट्रक्स फंसे हैं, सामान फंसा है, उसके लिए स्पेशल परमिशन लेके जो एक काम प्रभावित हुआ है उसको पटरी पे लाने के लिए सरकार कुछ ऐसी कोई प्लान कर रही है कि प्रायोरिटीज में चीजों को निपटाया जाए? जिन जिन जिलों से संबंधित जो जो पाइप है, जहाँ जहाँ फैक्ट्रियों में या फैक्ट्रियों से निकल करके ट्रॉलों पे, ट्रकों पे, अभी सड़कों पे खड़ी हुई रुकी हुई पड़ी थी, उनके बारे में मुख्य सचिव के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधीशों को आदेश किए गए हैं कि आप वहाँ जो वहाँ के जो डीएम हैं उनसे बात करें और उनको पत्र लिखें ताकि वो सारी के सारे ट्रक जो हैं वो हमारे प्रदेश के अंदर जिन जिन स्कीमों के हैं वहाँ पर पहुँचे। साथ में हमारी बहुत ऐसा मटेरियल है इसकी जिसकी ऑर्डर हमने किए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स ने, फर्मों ने ऑर्डर किए हुए हैं, और वो सारे का सारा मटेरियल जो है वो फैक्ट्रियों में बनकर के तैयार है। अब उसको लाने के लिए भी हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सारे का सारा मटेरियल जो है वहाँ से उठाया जा सके और जहाँ जहाँ काम होने हैं वहाँ वहाँ उस मटेरियल को पहुँचाया जाए। हॉर्टिकल्चर सेक्टर इतना प्रभावित हुआ है कोरोना के कारण, क्या जो प्रोडक्शन एप्पल सीजन के लिए भी टाइम, उसके लिए भी तैयारी है सर? बागवानी विभाग को लेकर के हम लगातार गंभीर हैं, जितने भी हमारे बागवान हैं उनकी एक चिंता थी कि हो सकता है कि पैकिंग मटेरियल जो है उसमें कोई दिक्कत आ जाए, रामबिया से महसूस कर रहे थे कोई दिक्कत आए। हमने जो जो ऐसे ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो पैकिंग मटेरियल तैयार करती हैं, पेटियाँ डब्बे तैयार करते हैं, उनके साथ सचिव उद्यान विभाग ने उनसे पीसी के माध्यम से जो है वो लंबी बैठक की है और उन सबको एश्योर किया है, और उन्होंने सबने एश्योर किया हुआ है कि हम पैकिंग मटेरियल की किसी प्रकार से कमी हिमाचल प्रदेश के बीच में नहीं आने देंगे। मैं धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री जी का, हम इस मंत्रिपरिषद की बैठक में हम इस विषय को लेकर के गए कि जितनी हमारी दुकानें हैं जहाँ पर पेस्टिसाइड या दूसरी चीज़ें हम बागवान को उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि कर्फ्यू में ढील जो है केवल मात्र 2-3 घंटे के लिए होती थी, एक एक बागवान को 20-20 किलोमीटर दूर आना आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, उसमें मंत्रिपरिषद ने और विशेष करके मुख्यमंत्री जी ने जो है निर्णय लिया कि जो हमारे बागवानी विभाग के अधिकारी हैं वो गाड़ी लेकर के जाए और उस गांव उस पंचायत में जाकर के जो है जो जो आवश्यक दवाइयां हैं या एंटी हेलनेट है वहां पर जो है वो बागवानों को उपलब्ध कराई है। पूरे प्रदेश के बागवानों के साथ लगातार हमारी चर्चा हो रही है और सभी की तरफ से आ रहा है कि नहीं, हमारे को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई है। जहां तक इस बार का मौसम है, मौसम बागवानों की इच्छाओं के विपरीत चल रहा है, खुद बागवान और जो लो हाइट का है वहाँ जिस प्रकार की फसल पिछली बार थी इस बार फसल में काफ़ी कमी है, मिडिल हाइट में भी ऐसा ही है, और जो हालात देखने को मिल रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि सारा कुछ जो है कहीं हाई हिल्स में भी कमी हो सकती है। लेकिन मैं इस बात से बागवानों को आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि किसी प्रकार की सरकार की तरफ से कोई कमी जो है ना तो पीटियों के या वारदाने की तरफ से होगी, ना तो किसी और तरीके से होगी। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि सारा का सारा बागवानों को जो बेस्ट पॉसिबल मदद हम कर रहे पीछे करते जा रहे हैं वैसे आगे भी करें। सर, बागवानों की तरफ से, खासकर चेरी ग्रोवर्स की तरफ से सुझाव कर रही है, या सरकार ये श्योर करेगी मार्केट पहुंचाने की व्यवस्था सरकार करेगी
पेटिंग के अलावा ट्रांसपोर्टेशन सारी व्यवस्था है। सरकार खुद प्रोक्योरमेंट नहीं करेगी, बागवानों के मटेरियल को मंडियों तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार करेगी, उसमें चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है चाहे वो उनके छोटे डब्बों से संबंधित है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। देश के जिस भी हिस्से में उनका माल पहले जाता था उस वहां तक उनका माल पहुंचाने में हम भरपूर उनको सहयोग करेंगे। सर, फ्लोरिकल्चर का काम भी इस बार काफी प्रभावित हुआ है और जो लाखों रुपए कर्ज लेकर जो है उन्होंने अपने पॉली हाउस बनाए हैं उसने ये काम किया है। प्रश्न फ्लोरिकल्चर का ही नहीं है, जितने भी पॉली हाउसेज हैं उसमें केवल मात्र फ्लोरिकल्चर का काम भी होता है, उसमें दूसरी सब्जी का काम भी होता है। और अब नुकसान तो सभी को हुआ है, कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको नुकसान नहीं हुआ है। अब इसमें कहीं हम एक जगह इंसेंटिव देने की बात कहेंगे तो फिर तो क्योंकि एक तो पहले ही हालात वित्तीय परिस्थितियाँ जो ठीक नहीं है, बेचारा देना सरकार ने बेचारा देना इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। सर हाल ही में हुआ है लगभग 20 करोड़ का नुकसान हुआ है, उसमें सेब भी है, उसमें चेरी भी है, उसमें दूसरे स्टोन फ्रूट्स भी हैं, लेकिन हमने उससे पहले ही एंटी हेलनेट की व्यवस्था जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर समय के अंदर कर दी थी। लॉकडाउन से भी किसी बागवान को प्रभावित नहीं होना पड़ा, अब जिन्होंने नेट लगा लिए वो बच गए, जिन्होंने नेट नहीं लगाई अब हेलिंग टाइप कैसी है एक थ्रू आउट भी नहीं होते, ये तो पॉकेट पॉकेट में होती है, और जिस पॉकेट में होती है अगर वहाँ पर नेट लगाई हो तो सेफ है, अगर जिसने नेट ना लगाई हो तो वहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है। मैं इस बात से आपसे सहमत हूँ, लेकिन आज तक हीलिंग के ऊपर कोई ऐसा कोई किसी बागवान की कोई ऐसी मदद नहीं की।